हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल गुलाबी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, इसमें से राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताओ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इस पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। इस पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, परागकण, बीज, फल या पत्ती का, बताओ दोस्तों क्या होगा आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बीज का अध्ययन किया जाता है इस पर्मोलॉजी में, ठीक है। अगला प्रश्न है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, घासों का, फलों का, फसलों का, तेल बीजों का, तो क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, घासों का, घासों का अध्ययन किया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, भूमि का, फलों का, चट्टानों का या फिर पौधों का, तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूमि का, पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। नामकरण, वर्गीकरण, पहचान या फिर वर्गीकरण, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकी। वर्गीकी पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। एंगलर, लिनियस, अरस्तु, लैमार्क, बताओ दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लिनियस। लिनियस इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म जीव मिलते हैं रेतीली मिट्टी में, लवणयुक्त पानी में, दलदल भूमि में, इन सभी में, तो बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में मिलते हैं सूक्ष्मजीव, ठीक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, विषाणु वृद्धि करता है, जीवित कोशिकाओं में, चीनी के विलयन में, मृत शरीर में, पानी में, बताओ विषाणु वृद्धि करता है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवित कोशिकाओं में, ठीक है, जीवित कोशिकाओं में इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, साबूदाना किससे बनाया जाता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है, पाइनस, सेट्रस, जूनीपेरस या फिर साइकस, इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, साइकस। साइकस से साबूदाना बनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है, बताओ दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से क्या आंसर होगा, फेनोलॉजी, पोमोलॉजी, एगेस्ट्रोलॉजी या फिर एंथ्रोलॉजी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो होता है वो फलों का अध्ययन कहलाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है तो डार्विन है, थियोफ्रेस्टस है या फिर लिनियस है या फिर हिप्पोक्रेट्स है, बताओ क्या आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लिनियस। लिनियस जो है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की, रॉबर्ट कोच, लुईस पाश्चर, लुएन हॉक या फिर रॉबर्ट हुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर बताओ। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, लुएन हॉक। लुएन हॉक जो है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं, बताओ दोस्तों जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनावृत बीजी। अनावृत बीजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है।
आपका अगला प्रश्न है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? सर्पिल, गोल, छड़ रूपी या फिर कौमा रूपी? बताओ क्या होगा उत्तर इसका? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, छड़ रूपी। छड़ रूपी जीवाणुओं की साधारण आकृति होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना छड़ रूपी। आपका अगला प्रश्न है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाता है? जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाता है? बताओ दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से क्या उत्तर होगा? इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुलाड़ु। गुलाड़ु इसका राइट आंसर होगा। आपको अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? पीलिया, तपेदिक, चेचक, ये सभी? बताओ निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? पीलिया, तपेदिक, चेचक या फिर ये सभी? तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तपेदिक। तपेदिक जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। आपका अगला प्रश्न है, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है? मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है, बताओ दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एसरिसिया कोलाई। एसरिसिया कोलाई इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं तो किस में पाया जाता है? आवृत बीजियों में, कवकों में, विषाणुओं में या फिर जीवाणुओं में? तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जीवाणुओं में एंटीबायोटिक अधिकांशतः पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है? माइकोप्लाज्मा, यीस्ट, विषाणु या फिर जीवाणु? बताओ निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन है? माइकोप्लाज्मा है या फिर यीस्ट है या फिर विषाणु है या फिर जीवाणु है? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटा जीव है। सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? पेचिस, हैजा, चेचक या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ दोस्तों, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैजा, जो कि जीवाणुओं के कारण होता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।